हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका त्यागी क्लब यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, आज गंगा एक्सप्रेसवे से लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आ गए हैं और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आ गए हैं। किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है, तो सभी को देखना बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को। तो गंगा एक्सप्रेसवे का काम जल्दी ही शुरू होने वाला है। मेरठ में इसका भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया है, लंबाई मीटर चौड़ाई सब नप गई है इसमें। तो किसानों के अकाउंट में पैसे जल्दी ही आने वाले हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए बस इतनी ही न्यूज़ है और आगे दिल्ली मेरठ के एक्सप्रेसवे के लिए लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आ गए हैं। तो वीडियो का एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों देखिए, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल सके। देखिए, हम प्रूफ के साथ वीडियो लेकर आते हैं। तो देखिए, अमर उजाला के न्यूज़पेपर से न्यूज़ आ रही है, 4 जुलाई 2020 की न्यूज़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 जुलाई 2020 की न्यूज़ है ये। आज ही 6:48 पर ये न्यूज़ आई है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 4 जुलाई को न्यूज़ आ गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर काम बंद हो गया है, NHAI ने खड़े कर दिए हैं अपने हाथ। तो आगे देखिए क्या है इसमें। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे निर्माण पर एक बार फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब मेरठ क्षेत्र के किसानों ने भी कार्य बंद कर दिया है। इस पर NHAI ने जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर जानकारी देने का निर्णय किया है। उनका कहना है कि इस तरह एक्सप्रेसवे का कार्य पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए साइट पर सुरक्षा की ज़रूरत है। तो आगे देखिए इसमें क्या है। एक्सप्रेसवे के चौथे चरण में जासना से मेरठ 34 किलोमीटर के कार्य को दिसंबर 2020 तक पूरा किया जाना था। एक सप्ताह से कार्य की रफ्तार बढ़ी थी। कार्यदायी संस्था GR इंफ्रा के अनुसार श्रमिकों की संख्या भी लगभग 900 पहुंच गई थी। अब किसानों की बड़े मुआवजे की मांग ने कार्य पर विराम लगा दिया है। किसानों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक कार्य शुरू नहीं होने दिया जाएगा। तो देखिए, किसानों ने इसमें मुआवजा ज़्यादा मांगा है, तो इसलिए काम बंद हो गया है। किसानों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक कार्य शुरू नहीं करने दिया जाएगा, इसमें ये कहा गया है। आगे देखिए क्या है। बढ़ती जा रही है एक्सप्रेसवे की लागत। तो एक्सप्रेसवे की लागत बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हैं। समय बढ़ने के साथ एक्सप्रेसवे पर लागत भी बढ़ती जा रही है, इससे सरकार को नुकसान होना तय है। अभी तक इसलिए लागत 2900 करोड़ रुपये पहुँच चुकी है। यदि इस तरह लागत बढ़ती गई तो एक्सप्रेसवे का कार्य पूरा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे न सिर्फ कार्य में देरी होगी बल्कि एक्सप्रेसवे निर्माण भी अटक सकता है। टोल प्लाजा पर पहुंचे किसान। देखिए, टोल प्लाजा पर किसान पहुंच गए हैं। मेरठ की सीमा में अक्षरोंडा में बन रहे टोल प्लाजा पर पहुंचकर किसानों ने हंगामा किया। उनका कहना था कि जब तक मुरादाबाद गांव में धरना जारी रहेगा तब तक पूरी सीमा में कहीं भी कार्य नहीं होने दिया जाएगा। आगे देखिए क्या ये है। किसानों की प्रमुख मांगे। किसानों की मांगे देखिए क्या हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसानों की मांगे क्या हैं, यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। जिला मेरठ के काशी, अक्षरोंडा, भूड़बराल, प्रतापपुर समेत अन्य गांवों की आर्बिट्रेशन की सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशानुसार एक प्रोजेक्ट के लिए एक समान मुआवजा दिया जाए। दासना से मेरठ तक किसानों के आवागमन के लिए सर्विस रोड बनाई जाए। 19 गांवों को 8 अगस्त 2011 को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रथम अधिसूचना के आधार पर DM गाजियाबाद द्वारा 2013 में आर्बिट्रेशन अवार्ड घोषित किया गया। 19 ग्रामों के किसानों ने आपत्ति के साथ मुआवजा उठा लिया था। वहीं प्रभावित किसानों ने सेशन कोर्ट गाजियाबाद में अपील की थी। ऐसे कार्य करना संभव नहीं होगा। आगे क्या है। हमने गाजियाबाद के DM को निर्माण कार्य रोक दिए जाने की बाबत पत्र लिख दिया है। वहीं आज DM मेरठ को भी कार्य रोके जाने का पत्र जारी कर दिया जाएगा। अरविंद कुमार प्रोजेक्ट मैनेजर हैं ये, देखिए NHAI के अरविंद कुमार प्रोजेक्ट मैनेजर ने ये न्यूज़ बताई है। NHAI के जो मैनेजर हैं अरविंद कुमार, तो ये न्यूज़ है। और देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे का काम तो चालू हो गया है, भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। मेरठ के इलाके में भूमि अधिग्रहण हो चुका है। वहाँ पर किसानों ने शिकायत की थी कि यहाँ पर बड़े किसानों की ज़मीन पर मतलब नपाई हो रही है, छोटे किसानों की ज़मीन की नपाई नहीं हो रही है। तो इस पर वहाँ पर किसानों ने अपना जो है काम को रोकने के लिए पत्र लिख दिया है जिला अधिकारियों को। तो देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली है एक दो दिन में, तो उसकी हम अपडेट दे देंगे। आज की वीडियो को सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्रूफ के साथ वीडियो लेकर आते हैं। तो आज की वीडियो को सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।